पलाई कायनात है सीरती रसूल की, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्माई सिफात है सीरती रसूल की। जनाब सदर मजलिस, ये वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाएगा, समंदरों के पानी से रोशनाई बना दिया जाएगा और जमीन से आसमान तक के खिलाफ रोलाम बना दिया जाएगा। तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएगा, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक के खिलाफ पुर हो जाएगा, मगर हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल न हो पाएगा। जिंदगियां बैठ गई और कलम टूट गई, जिंदगियां बैठ गई और कलम टूट गई, मगर तेरी असहाब का एक बात भी पूरा न हो सका। जनाब सर मजलिस, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कर्मगुरु के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हर लिहाज से मरकज व मिंबर है। ये ईमान व इतिकाद का मंबा है, ये जमीन व आसमान, ये तरफेन, ये मशरिकेन, ये मगरिबेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म देती है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वराउल वरा है, हमारे हद से दिल वाला चल। जनाब वाला, आजकल ये तरक्कियात का दौर, एटम और मंतिक का दौर है, मेंट का परवाज है, चांद पर कमंडे डाली जा रही है, साइंस ने मुअर्रिख को मुसख़र करने का दावा किया, लेकिन आली ज़ुल्क़ार आई आज से 1400 साल पीछे चलती है, जब आज का सैयारा नेता, आज का सैयारा नेता एटम की अहम आहंग ये थी, मशीनों की कड़कड़ाहट का दूर दूर तक कोई नाम और निशान न था, रेडियो और मोबाइल का तसव्वुर भी न था। इस वक्त अब्दुल्ला की यतीम, आमने की लखती जिगर, मक्का की आजमिया होश, हलीमी की जीनत, जिसके घर में चोला नहीं चलता, पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन इसने अपने नाले मुकद्दस को सरपरास्त फरमाया। हुजूर आए तो सरा प्रेश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरा प्रेश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर की रोशनी में आ गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर की रोशनी में आ गई दुनिया, बुझी चेहरों पर नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शुरूर आया। आखिर में अपना तकरीर शेर पर खत्म करना चाहता हूँ, सलाम ए आमिने की लाली ए महबूब सुभानी, सलाम ए आमिने की लाली ए महबूब सुभानी, सलाम ए फख्र मौजूदत फख्र नौ इंसानी, सलाम इस पर की जिसने बेकसम की दस्तगीरी की, सलाम इस पर की जिसने बादशाही में कब्जे की।